नमस्कार, मैं विलासा और आप देख पा रहे हैं चेयर पे हमारा बैठा है गुड्डू राजा और साथ में संगीता रुलानिया आंटी है, संजू आंटी है और हमारी ये प्यारी प्यारी सी बहनें हैं। और आज हम सब मना रहे हैं गुड्डू का जन्मदिन। आज ही के दिन हम गुड्डू को छोटा सा लेके आए थे और आज ये 2 साल का हो गया है आज के दिन, तो ये भी हमारे परिवार के सदस्य की तरह है और छोटा सा नन्ना सा हमारे परिवार का सबसे छोटा मेंबर है। तो आज हम इसका जन्मदिन उल्लास के साथ मना रहे हैं। तो पहले मैं इसके तिलक कर देती हूँ और ये गुड्डू के हमने तिलक कर दिया है और अब हम सब इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गुड्डू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब सभी इसको माला पहनाएंगे, ये गुड्डू को प्यारा सा गुलाब का फूल, गुड्डू को रेड रोज वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है। अरे कितना क्यूट लग रहा है हमारा गुड्डू। अरे हैप्पी बर्थडे, संगीता आंटी कितनी दूर से चलाकर आए हैं आज गुड्डू का बर्थडे। जैसे ही आंटी को पता चला तो आंटी खुशी खुशी आए। देखो गुड्डू ने कान खड़े कर लिए हैं, गुड्डू भी सुन रहा है कि आज गुड्डू का बर्थडे मनाया जा रहा है। और आज गुड्डू के बर्थडे पर भी हम पौधे वितरित करने वाले हैं, तो संगीता रुलानी आंटी को ये पाम का सुंदर सा पौधा गुड्डू के बर्थडे पे खास याद रहने वाला है आज के दिन। तो आप भी इस तरीके से घर में जो अपने जीव जंतु आपने पाल रखे हैं तो उनको भी एक तरीके से हमें ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनके ऐसे ही बर्थडे देखो सेलिब्रेट करने चाहिए। गुड्डू कैसे बाहर निकल रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। और जब भी आप घर में किसी का बर्थडे मनाए तो आपको ग्रीन गोल्ड देना है। तो हम संगीता आंटी का सम्मान पौधा भेंट कर रहे हैं। 2 शब्द आप भी बोलो आंटी। ये बहुत ही अच्छा एक नवाचार मुझे देखने को मिला है कि यहाँ पर स्वीटी बिटिया ने देखो आपकी गुड्डू का बर्थडे भी एक हम अपने परिवार में सदस्य का जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उस तरीके से एक ग्रीन वैली में इन्होंने किया है। तो हमें सबको इनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें इस नवाचार को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। पशु पक्षी भी हमारे परिवार का हिस्सा, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं और इनको भी हमें इतना ही सम्मान देना चाहिए जितना हम अपने परिवार के सदस्य को।